मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अब फूल देना चाहिए वैलेंटाइन डे के दिन, फूल कोई भी हो, चाहे फूल गोभी ही हो। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे दोस्तों आप लोगों के, मेरी तरफ से फूल गोभी। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों मैं घर पहुंच गई हूँ और पूरा अस्त व्यस्त, दो दिन से नहीं थी, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है। और अभी मेरे कपड़े वगैरह सब बहुत ज़्यादा गंदे थे, सब धुला उला है। और फिर मुझे अभी मेरे फ्रेंड की शादी है 18 फरवरी को, तो मुझे वहाँ भी जाना है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। मतलब इस समय मेरा टूर ही चलेगा, तो मुझे दो एक दिन में मैके के लिए ही निकलना है। तो फिर सारा मुझे पैकिंग भी करनी है, सारा काम मेरा पेंडिंग में है, सब अस्त व्यस्त है। सो चलिए, मैं अपने गार्डन में नहीं थी तो यहाँ बारिश भी हुई है, आज भी बारिश हो रहा है। तो ट्विंकल मुझे बहुत प्यार कर रही है क्योंकि ट्विंकल बहुत ज़्यादा खुश है ना, इसलिए मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा खुश है। मैं उसको इतनी बड़ी खुशी दी हूँ तो इसलिए मुझे बहुत खुश है। सो दोस्तों चलिए, मैं अपना तो दोस्तों अभी मुझे खाना बनाने के लिए सब्जी भी तोड़ना था। मतलब देखो मेरे गार्डन में क्या सब्जी तैयार है, क्योंकि मैं दो दिन से थी नहीं तो मैंने देखा नहीं। तो चलिए आपको गार्डन में ले चलते हैं। अभी हो गया है बहुत ज़्यादा शाम, एकदम शाम हो गया, पर अभी मैं शाम में ही जाऊँगी। तो अभी शाम के बज रहे हैं 6, मतलब एकदम दिया जलाने का टाइम है, बट अभी मैं जा रही हूँ गार्डन में। चलिए देखते हैं, तो मुझे सब्जी के लिए अभी गोभी लाना है, तो मैं जा रही हूँ लाने सुबह में बनाने के लिए। और इस टाइम तो मैं कटहल की सब्जी बनाऊंगी, मेरा मन हो रहा है कटहल प्याजा खाने का। मुझे प्याज वाला कटहल कुकर में बहुत अच्छा लगता है, मतलब तो इस समय तो मैं कटहल की सब्जी बनाऊंगी, बट सुबह मुझे गोभी की सब्जी बनानी है, इसमें मैं तोड़ के ला के रख लूँगी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। हो सकता है सुबह बारिश हो तो कौन जाएगा तोड़ने। तो चलिए गार्डन में लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस समय कौन सी सब्जियाँ तैयार है। तो दोस्तों ये देखिए, मेथी तैयार है, वहाँ पे गोभी, सारा गोभी तैयार है, यहाँ बाकला वगैरह तैयार है। सो ये देखो, सो ये देखो गोभी तैयार है, इसमें कीड़े लग जा रहे हैं जैसे। सो दोस्तों मैं गोभी तोड़ लेती हूँ, ठीक है। सो ये देखो मेरे घर में गोभी तोड़ लिया। तो मेरे यहाँ फ्रेश ताज़ा ताज़ा गोभी, और मुझे मन कर रहा है इसका पकौड़ी बनाने के लिए। मैं सुबह में पकौड़ी बनाऊंगी गोभी की, क्योंकि मुझे जाना है मायके, तो मैं ससुराल में खा पी के जाऊंगी। और अभी मैं दवा वाली हूँ तो मुझे भूख भी लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाई, क्योंकि मेरा तबीयत नहीं ठीक था तो मुझसे कई दिनों से खाना नहीं खाया जा रहा था। तो ये देखो, और मैं फ्रेश धनिया की पत्ती भी ले लेती हूँ। ये गाजर है, दो चार पेड़ बस ऐसे ही है। ये देखो फ्रेश फ्रेश पालक, सो पालक भी तैयार है। ये धनिया की पत्ती, ये फ्रेश धनिया की पत्ती, सो दोस्तों मैंने देखिए तोड़ ली है सब्जी और फ्रेश धनिया। सो मैं चल रही हूँ सुबह की तैयारी कर रही हूँ, सुबह खाना बनाने के लिए तो मैं रख ले रही हूँ। अभी तो मैं कटहल की सब्ज़ी बनाऊँगी, सो कटहल की सब्ज़ी वैसे ही बनाऊँगी जैसे आप लोग बनाते हैं, बट मैं कुकर में बनाती हूँ कटहल को फ्राई करके। सो थोड़ा सा मैं चलती है, चल फटाफट मैं सब्ज़ी बना के रख लूँगी। मैं जल्दी ही सब्ज़ी बना लेती हूँ, और खाना होगा तो रोटी बनाऊँगी। और ट्विंकल की वजह से और मेरा तबीयत भी नहीं सही है, तो मैं जल्दी खाना बना के रख लूँगी, फिर जब खाना होगा तो गर्म कर लेंगे। तो चलिए मैं फटाफट खाना भी बना लेती हूँ। और मेरे यहाँ देखिए फ्रेश गोभी तैयार है, सब्ज़ियाँ, घर की सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। आप अगर मार्केट नहीं जा सकते तो घर पे फ्रेश सब्ज़ियाँ जब चाहे तोड़ सकते हैं। आप लोग भी अपने खाली स्पेस में ज़रूर लगाएं, मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ कि अगर आपके यहाँ खाली जगह है तो सब्ज़ियाँ ज़रूर लगाइए। ये दिखने में सुंदर भी लगती है, सुकून भी मिलता है। और जो बाज़ार में मिलता है ना, वो सुई दवाई से तैयार करते हैं, घर पर जो होता है वो अच्छा होता है हेल्थ के लिए। हाँ
हैप्पी वैलेंटाइन डे दोस्तों। तो फूल देना चाहिए वैलेंटाइन डे के दिन, फूल कोई भी हो चाहे फूल गोभी ही हो। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे दोस्तों आप लोगों के, मेरे तरफ से फूल गोभी। ये देखो धनिया की पत्ती फ्रेश फ्रेश। सो इसमें मैंने मेथी भी बोया है थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं हो गया। कितना फ्रेश और ताज़ा ताज़ा है। सुबह फटाफट देखिए, रात भी रहे ना तब भी आपके घर हमेशा हर चीज़ अवेलेबल रहता है घर पे लगाने से। सो मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ अभी, क्योंकि मैं उतना ही तोड़ती हूँ जितना डालना होता है, क्योंकि अभी सूख जाता है। तो मैं जब मुझे काम लगता है तभी मैं तोड़ती हूँ ताकि फ्रेश रहे, और फ्रेश धनिया पत्ता का महक स्वाद अलग ही होता है। सो दोस्तों मैंने काम भर की सब्ज़ियाँ तोड़ ली है और अब मैं जा रही हूँ घर में, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, मुझे खाना भी बनाना है। सो ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, कल एक दो दिन में मैं मायके भी जाऊँगी अगर जा पाऊँगी तो, क्योंकि मेरे फ्रेंड की शादी है। सो मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग अपलोड करूँगी, आप जरूर देखिएगा। मैं लाइव भी आऊँगी कल, अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो कल मैं शाम तक लाइव आऊँगी, आप लोग लाइव में भी जुड़िएगा। सो मेरा पिछला वीडियो जो था ना मौसी जी के घर का, वो आप लोग देखिएगा और अच्छे अच्छे ब्लेसिंग भी दीजिएगा। सो अभी मुझे अपना केयर बहुत करना है और खाने पीने का ध्यान भी रखना है, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं खा पी नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत ख़राब था। आपने हर ब्लॉग में नोट किया होगा, पिछले 2 महीने से मैं हर ब्लॉग में बोल रही थी मेरा तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है। वो प्रेगनेंसी की वजह से ही था ऐसा, इसलिए मुझे ध्यान देना है, क्योंकि डॉक्टर ने भी सलाह दी है कि खाना पीने पे मुझे ध्यान देना होगा। सो मैं भी ध्यान दूंगी और मुझे जो पसंद होगा मैं वही खाऊंगी, क्योंकि मैं कितना भी कोई बोल देना ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है, मुझे जो पसंद रहता है मैं वही खा पाती हूँ। पर मुझे अब अपने लिए नहीं, बेबी के लिए सोचना ही पड़ेगा। सो आप लोग अच्छे अच्छे ब्लेसिंग दीजिएगा और ब्लॉग बने रहिए, ठीक है। मैं चाहती हूँ अंदर नहीं तो आप। सो दोस्तों देखिए, मैंने कटहल के छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं और मैंने मटर टमाटर प्याज सब कुछ कट कर लिया है। मैंने मसाला भी अदरक मिर्चा लहसुन सब कुछ कर लिया है। आज प्याज डालने की वजह से मैं सब्ज़ी का भोग नहीं लगा पाऊँगी, और इसके साथ मैंने पालक की पूड़ी भी बनाऊँगी मैं, क्योंकि पालक भी तैयार थी। तो मेरा कटहल फ्राई हो रहा है। तो ये देखिए, मैं कटहल तल के निकाल लूँगी, उसके बाद मैं बना रही हूँ अपना ग्रेवी। और मेरा ये ग्रेवी तैयार है और इसमें मैं कटहल और थोड़ा सा गर्म पानी डाल के कुकर में सीटी लगाऊंगी और मेरा सब्जी तैयार, ऊपर से धनिया की पत्ती से गार्निश करूँगी। सो दोस्तों मैंने पालक कट कर लिए हैं और पालक में मैं डालूँगी लहसुन के पत्ते, मेथी के पत्ते, धनिया के पत्ते। अगर आपके पास पत्ते नहीं है तो आप खड़ा लहसुन और खड़ा धनिया और मेथी के दाने ये सब इसके साथ ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास फ्रेश पत्ता था तो मैं सब कुछ हरा रहे, कलर अच्छा है, इसलिए मैं सारे चीज़ फ्रेश पत्ते ही डाल रही हूँ। और मैं सब चीज़ों को बॉईल करूँगी बस ऐसे ही कढ़ाई में छोड़ के, और 5 मिनट के इसे गल जाना है। गलने के बाद इसे मिक्सी में पीसेंगे। सो मैं सारी चीज़ें डाल के ढक दूँगी और मेरा ये पालक गल के तैयार हो जाएगा। सो मैं पूड़ी और कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ। मेरे घर में इतनी बड़ी खुशी आई है और वैलेंटाइन डे भी है, आज बसंत पंचमी भी है, इसीलिए मैं थोड़ा स्पेशल बनाने की कोशिश कर रही हूँ आज खाना। आप लोगों को कैसा लगता है पालक की पूड़ी कटहल की सब्ज़ी, कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों मेरा साग गल चुका है और मैं मिक्सी में डालूँगी अपने गले हुए पालक को। इसमें मेथी धनिया लहसुन सब कुछ पड़ा ही है, फिर भी मैं थोड़ा टेस्ट और फ्लेवर के लिए ऊपर से कुछ मसाले डालूंगी। मैंने डाला है जीरा मिर्च, थोड़ी सी खड़ा धनिया, सौंफ, हरी मिर्च और लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता, और थोड़ा सा और अच्छा फ्लेवर ताज़ा मिलेगा। सब चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद मैंने आटा में डाला है अजवाइन, नमक, थोड़ा सा तेल, और उसके बाद मैं ये पालक पिसा हुआ डाल के आटा को उसी से गूँथ लूँगी। अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसी पालक से ही आपका आटा बहुत अच्छा तैयार होगा। सो आटा बनाने के बाद 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट होने दे, फिर मैंने पूड़ियाँ बेल ली है। फटाफट मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ और मेरा खाना है रेडी। सो कैसा लगा आपको? सो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मेरा पूड़ियाँ तैयार। सो दोस्तों मेरा खाना वगैरह बन गया, पर अभी खाएंगे नहीं, थोड़ा रेस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा सांस अंदर से जैसे फूलती है, काम बहुत हो जाता है, मतलब भले 2 ही लोग हैं पर टीम को बहुत प्यार आ रहा है।
ट्विंकल मेरा ध्यान इतना रख रही है, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल कर रही है, बहुत ज़्यादा मेरा प्यार भी कर रही है, पर बदमाशी बहुत करती है मिट्टू। बाबू बाबू देखोगा कार्टून देखो आप मम्मी वो देखो टप्पू टप्पू का देख रही हूँ हाँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ट्विंकल का फेवरेट वही देख मम्मी मोगली वाला खत्म हो गया टप्पू आया पूरा बाल भिगा ली हो ना। सो दोस्तों आज बारिश हुआ था ट्विंकल बारिश में भीग गई पूरा बाल देखो तुम्हारा भीगा है ठंडा। तो दोस्तों आज वैलेंटाइन डे है, मेरे हस्बैंड जो नहीं है मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अब तो पहले तो मतलब कोई भी जब मेरी शादी हुई थी तो मतलब कुछ भी वैलेंटाइन डे होता था एनिवर्सरी तो वो अगर नहीं रहते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा खलता था रोता था। पर अभी क्या हो गया आदत हो गई है, पर ये नहीं है कि कमी नहीं खलती, आदत हो गई है और हर चीज़ को एडजस्ट करना मैंने सीखा है धीरे धीरे। अब सीख रही हूँ क्योंकि मैं अब जिम्मेदार हो रही हूँ, मदर बन रही हूँ, मदर बन गई हूँ मतलब, तो अब सब चीज़ें हैंडल करना पड़ता है। और मुझे पता भी चल गया कि हाँ बाहर रहना उनका भाई मजबूरी है तो फिर क्या कर सकते हैं। बट वैलेंटाइन डे मुझे बहुत खलता था, मतलब पिछले साल हम मायके गए थे, हमारे हस्बैंड जी वैलेंटाइन डे के दिन ही लेके मुझे मायके गए थे, मुझे रोक दिए थे। सो वो मोमेंट मुझे आज याद आ रहा है। पर हम कहीं भी रहें हमारा प्यार अगर सच्चा है और अगर हमारा रिश्ता अटूट है, विश्वास है उसमें, तो वो हमेशा मजबूत बना रहेगा। और वैलेंटाइन डे सिर्फ एक दिन 14 फरवरी के लिए नहीं होता, मैं सबको बोलूँगी कि अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं तो वो रिश्ता आपको 365 दिन एक ही तरह रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज वैलेंटाइन डे है तो फूल दे दिया, हम किसी को वैल्यू दे दिए उसके बाद उसकी कदर ना करें। हर रिश्ते का कदर हमेशा करना चाहिए, सिर्फ वैलेंटाइन डे के दिन नहीं। पर हाँ ये है कि कोई स्पेशल दिन होता है तो स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं लोग, इस चीज़ से मैं मानती हूँ। पर हमारे लिए तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो 7 जन्मों का होता है, सो हमेशा उसमें प्यार और विश्वास बना रखना चाहिए। आप लोग भी अगर जो मैरिज लाइफ से जुड़े हैं तो एक दूसरे से ऐसे ही प्यार और विश्वास बनाए रखें। ये नहीं कि वैलेंटाइन डे के दिन हम नहीं हुए तो हमें उस कमी को लेके आगे चल के कोई दिक्कत हो। मैं भी शुरू में लड़ाई करती थी इनसे कि आज वैलेंटाइन डे आप नहीं आए, ये वो नहीं है, पर आप नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे लिए ही मजबूर है, क्योंकि अगर मैं ना होती तो वो बाहर भी नहीं रहते, मेरे लिए ही वो बाहर रह रहे हैं तो मुझे अरेस्ट करना आ गया है। सो मतलब फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। सो आप सबको भी हैप्पी वैलेंटाइन डे, आप लोग ऐसे ही प्यार और विश्वास अपने रिश्ते में बनाए रखिए। और दोस्तों आज का ब्लॉग अब एंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लिए आप वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय में बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। कुछ भी कमी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे उसका सजेशन दे सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।